नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैन जुगमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक गुरुकुल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर आएंगे जो कि अगर अपने डायरेक्शन मूव करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके साथ ऐसे यूजफुल कंटेंट शेयर कर पाए। तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में, फिर आएंगे हम लोग बैंक निफ्टी और उसके बाद कुछ जो अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो इसने अच्छा खासा ये सपोर्ट को लेके यहाँ पे अच्छे खासे रिकवरी दिखाई, फिर यहाँ जो रेजिस्टेंस था वहां से थोड़ा डाउनफॉल, फिर ऊपर जाने की कोशिश और फिर वहीं से डाउनफॉल। तो निफ्टी का देखें तो ऑलरेडी इसने एक क्या किया है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दिया है, बट जब तक ये प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, अच्छी तरीके से क्लोजिंग नहीं कर देता है, तब तक हमें ज्यादा बेरिश होने की नीड नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अब पहले बात करते हैं कोई बड़ी मूव कब आएगी। जब बड़ी मूव अब आएगी जब निफ्टी इसको ब्रेक कर देगी, जो रेंज होने वाला है 21,440 का रेंज जब ब्रेक करेगी तो सीधा यहाँ पे आएगी, और ये जैसे ब्रेक होगा 21,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तब अपने को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 21,000 के लेवल टच करता हुआ देखेगा निफ्टी। बात करें अपसाइड कब देखने को मिलेगा, अपसाइड हमें तब देखने को मिलेगा जब 21,720 या फिर 21,700 के 50 के लेवल को अपसाइड अगर क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो अपने को अपसाइड में अच्छे खासे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं जो अपने लेवल होने वाले हैं ट्यूजडे के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आज जैसा कि राम मंदिर का आज उद्घाटन हुआ था उस वजह से मार्केट आज अपनी बंद है, लेकिन जब हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं तो उस समय अमेरिका की मार्केट अच्छी खासी ग्रीन में क्लोजिंग दे रही है, मतलब ट्रेड कर रही है, अभी अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो भी एक ब्रेकआउट टाइप के स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है, तो पहले इसको हम लोग डिलीट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे एक बार डिलीट करके फिर दोबारा से मार्क करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो थोड़ा लेट आने का बस ये रीजन है कि अभी जो आपको पता ही है कि अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्लासेस अभी चल रही हैं, कुछ मेंबर्स अभी क्लास ले रहे हैं और अभी मेरे को जैसा कि वीडियो शूट करना पड़ रहा है तो आपको पता ही होगा। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस अपना निकल के आता है 21,850 से लेकर 21,720 का रेंज, वो निफ्टी के लिए अच्छा खासा हर्डल होने वाला है। अगर निफ्टी किसी प्रकार से 21,850 या फिर 55 के ऊपर अगर सस्टेन करने में सक्षम रहती है तो अपने को अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 21,970 से लेकर 22,000 के लेवल आसानी से हिट करते हुए देखेंगे, और उसके बाद अपना जो हर्डल होने वाला है वो होगा 22,150 से लेकर 22,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल बन के आ जाएगा, वो भी अपना एक हर्डल का काम करेगा। तो अपने ये दोनों हो गए रेजिस्टेंस। बात करते हैं अगर सपोर्ट की बात करें तो ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो अगर देखें तो अगर छोटा मोटा सपोर्ट है अपना 21,590 से लेकर अपना ये गैप फिलिंग जो था 21,530 का रेंज होने वाला है, जो कि एक सपोर्टिंग का रेंज है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ठीक है, सपोर्ट हम मिल जाएगा। अगर यहाँ पे गैप अप दिखती है तो अपने को ये रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर गैप डाउन दिखती है या फिर यहाँ से थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती है तब अपने को ये जो एक रेंज अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो अपना रेंज यहाँ पे निकल के आता है 21,450 से लेकर 21,400 का रेंज होने वाला है, जो ठीक ठाक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर बड़ी सेलिंग आती है निफ्टी के अंदर तो अपने को रोकने के लिए आता है, जो कि 21,300 से लेकर 21,220 का रेंज होने वाला है निफ्टी के लिए। तो इन लेवल को ध्यान में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं आप। बाकी हम लोग आते हैं अगले इंडेक्स के ऊपर जो कि अपना होने वाला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर काफी बुलिशनेस है, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन का होना, लेकिन इसको ब्रेक ना करके यहाँ से रिकवरी आना, फिर ऊपर जाना और इस रेजिस्टेंस को हिट करके फिर नीचे आना और फिर यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देना, वो दिखा रहा है कि अच्छी खासी मूव आ सकती है अपसाइड में। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आपको बुलिश तब होना है जब किसी भी प्रकार से 46,190 या फिर 46,200 को क्रॉस करते हुए देखिए, तभी बुलिश होना है, तब इसके अंदर एक बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि सीधे बैंक निफ्टी को लगभग 47,000 से लेकर 47,300 के लेवल भी हिट करते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो ये अपने रडार पर रखिएगा, लेकिन किसी प्रकार से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, जो कि लास्ट टाइम यहीं से रिकवरी आई थी, तो यही अपनी बैंक निफ्टी के लिए पालनहार का काम करने वाला है, जो होने वाला है 45,480 का रेंज। अगर वो ब्रेक करके सस्टेन करने लग जाता है तो समझ लीजिए एक बड़ा बलात्कार आने के लिए मार्केट में रेडी हो जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी को सीधा 44,800 उसके बाद 44,500 के लेवल भी डाउनसाइड में दिखा सकता है। तो इसको लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। बात करते हैं अपने कल के लिए जो इंपोर्टेंट लेवल होने वाले हैं उसके लिए,
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अपना यही रेजिस्टेंस अभी भी होने वाला है, क्योंकि अभी तक मार्केट इसको क्लोज नहीं कर पा रही है। पूरे दिन अगर हम लोग देखेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट गैप अप होने के बाद पूरे दिन उसी रेंज में कंसोलिडेट कर गई, पूरा प्रीमियम ट्रेडिंग हुआ, कोई भी अच्छे खासे पैसे नहीं बने मार्केट के अंदर। तो अपना रेजिस्टेंस का रेंज होने वाला है 46,420 से लेकर 46,130 का रेंज होने वाला है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो अपना सपोर्ट निकल गया है 45,680 से लेकर 45,480 का रेंज होगा, जो कि एक सपोर्ट निकल गया है। बात करें अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है बैंक निफ्टी, जो रेंज होगा 46,420-430 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है, तब उन्हें को एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ से देखने को या फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जो रेंज होगा 47,230 से लेकर 46,900 का रेंज होगा, जो कि एक बार यहां से प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करती है, मतलब अगर इस रेजिस्टेंस को किसी प्रकार से ब्रेक करने में सक्षम रहती है बैंक निफ्टी, जो लेवल होने वाला है 47,250 का, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तब तो अपने को एक गैप फिल होता हुआ दिखेगा, जो कि ऊपर साइड के टारगेट लेके जाएगा 47,800 से लेकर 48,000 के लेवल बड़ी आसानी से हिट करता हुआ दिखेगा। तो इन लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। बात करते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर जो कि कहाँ तक मूव देने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे रडार पे आने वाला है ये क्लाउड। क्लाउड की बात करें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जब ये यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहा था, 129 या फिर 132 इसी के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से मार्केट के साथ इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर आई। यहाँ एक डिमांड जोन को एग्रेसिव तरीके से इसने हिट किया और उसके बाद इतनी अच्छी खासी रिकवरी आई है। 2 दिनों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छा खासा, एक दिन इसने लगभग 10% का सर्किट, फिर दोबारा से इसने 10% की सर्किट दे दी है। और मुझे लगता है अगर इसके अंदर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो कर सकते हैं, 95 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बड़े प्यार से आपको शॉर्ट टर्म में लगभग 160, उसके बाद ये लगभग 195, उसके बाद 230 प्लस के टारगेट हिट करता हुआ देखिएगा, और लॉन्ग टर्म में बड़े प्यार से आपको 300 के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये लेवल अपने को ध्यान में रख के चलना है। छोटा सा डिस्क्लेमर आपके साथ दे दूं, इस वीडियो में बताएगा सारे लेवल्स जस्ट एजुकेशन पर्पस है, कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप पैसे लगाएंगे आपका प्रॉफिट होगा, आपका ही लॉस होने वाला है। तो एक बार खुद की रिसर्च करना बिल्कुल भी ना भूले किसी भी स्टॉक के अंदर पैसे लगाने से पहले। तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है इंडसइंड बैंक। काफी सवालों के घेरे में चल रहा है ये स्टॉक, क्योंकि अच्छे खासे क्वेरी आ रही है कि सर यहाँ कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ बाय करना चाहिए। ये लेवल ही परफेक्ट लेवल मेरे लिए बन रहा है, जो लेवल होने वाला है 1510 से लेकर 1500 का रेंज होगा, और इसमें जो स्टॉप लॉस अपना बनता है वो होगा 1480-85 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से एक रिकवरी इसके अंदर एक्सपेक्टेड हो सकती है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है HFCL, जो कि मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर एड ऑन करना चाहिए। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करके चलना, SIP करना इसके अंदर स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूँ SIP करना स्टार्ट कर दो, बहुत बड़ा रिटर्न देने के लिए आपके रेडी हो चुका है। CMPP कुछ क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हो, बाकी नीचे मिले 82-83 के आसपास तो डेफिनेटली ऐड करो, और अगर 70 के आसपास मिले तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है अब सभी के लिए। स्टॉप लॉस आपको रख देना है 55 या फिर ज्यादा नहीं लेना, तो 60 या फिर 58 का स्टॉप लॉस रख दो क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो टारगेट आने वाले टाइम में अपने को बड़े प्यार से ही आते हुए दिख सकते हैं, 120 और उसके बाद 150 और लगभग 180 क्रॉस करता हुआ भी बड़े प्यार से दिखेगा। मतलब यहाँ से स्टॉक दोगुना होने के लिए रेडी हो रहा है, तो इसको अपने रडार में रख के चलना, बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है इसे। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है SCI। थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर पे भी रडार में रख के चलना, डिफेंस सेक्टर यहाँ से एक रैली दिखा सकती है। SCI को यहाँ पे रडार पे रहने का रीजन ये हो रहा है कि यहाँ पे इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है। रेंज की ब्रेकआउट अगर यहाँ अगर बात करते हैं तो इसने लगभग अच्छे खासे रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। CMPP कुछ क्वांटिटी अगर डिप मिले तो एड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा होगा 165 का क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करूँ तो बड़े प्यार से टारगेट यहाँ पे निकल के आता है मेरा 192-200 और 215 के टारगेट आसानी से टच कर सकता है, तो इसको भी अपने रडार में रख के चलना है। स्टॉक का नाम शिपिंग CP इंडिया लिमिटेड को अपने रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो ये भी अपना डिफेंस सेक्टर से होगा, जिसका नाम है पारस डिफेंस। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसको यहाँ पे ठीक ठाक सा भी परफॉर्म कर रहा है, डिमांड जो सारे फॉलो करता हुआ रहा है, इस डिमांड को इनके अंदर एंट्री मिली है, वहां से रिकवरी आई है, ऊपर जाने की कोशिश है, मतलब वहां से ब्रेकआउट रेटेस्ट टाइप का अभी चल रहा है।
एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 700 का, और इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। जैसे ही ये हिट करेगा पहला टारगेट आसानी से मिल सकता है 785 से लेकर 795 का, और जैसे ही ये हिट करेगा 800 के लेवल को बड़े आसानी से, ये 815 और लगभग 850 का लेवल हिट करता हुआ दिख सकता है अपसाइड के अंदर, तो इसको अपने रडार में रख के चलना। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो ये अपना होने वाला है हिंद ऑयल। इसका मैं थोड़ा प्राइस एक्शन आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है हिंदुस्तान ऑयल एक्सपेल, मतलब ये अपना एनर्जी सेक्टर से रिलेट कर रहा है, अच्छा खासा स्टॉक है। यहाँ पे बात करूँ तो ये बिल्कुल भी, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा स्टॉक आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है। मैंने एक बार प्लान किया था कि क्यों ना इसको मैं अपने पेड मेंबर्स में इसको एक्सपोज करूं, मतलब उनको साथ में शेयर करूं, फिर सोचा एक बार अगर आप लोगों के पैसे बन जाएंगे तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, स्टॉक का नाम आपके डिस्प्ले पे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, हिंदुस्तान ऑयल एक्सपेल XPL करके नाम है एक स्टॉक, जिसका नाम है भी ये चल रहा है 186.85 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। वीकली बेसिस पे अच्छा खासा ब्रेकआउट निकल के आ रहा है। CMPP कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, लेकिन ऐड करने से पहले एक बार खुद ध्यान में रख के चलना कि एक बार रिसर्च कर ही लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कितना भी डेफिनेटली बोलूँ लेकिन एक लाइन जरूर याद रखना है कि इसके अंदर बताए गए सारे लेवल्स जस्ट एजुकेशनल पर्पज है, कुछ भी बाइंग सेलिंग करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। CMPP कुछ क्वांटिटी अगर अपने डिप मिले 170 के आसपास तो एड ऑन करना ही करना है, और ₹155 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की बात करें तो बड़े प्यार से 210, 225 और लगभग 250 का लेवल हिट करता हुआ दिख सकता है। तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी मैं इग्नोर करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं फटाफट इसमें बाइंग करने जा रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है नहीं करता है, तो एक बार खुद के रिसर्च जरूर कर लीजिए। बात करते हैं हिंडाल्को की, इसकी क्वेरी आई थी ट्विटर के ऊपर, जैसा हमने एक बार पोस्ट डाला था आपके साथ कि जो भी आपको वीकली एनालिसिस में वीडियो लाना है उसके ऊपर क्या आप चाहते हैं। अब इसमें बात करें हिंडाल्को की, तो इसने लगभग इस डिमांड जोन को हिट किया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश है, लेकिन एक बड़ा रेंज का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे जो कि 587-590 के ऊपर सस्टेन करना या फिर क्लोजिंग ना मिल जाए, हमें बुलिश नहीं होना है। एक बार अपसाइड जा सकता है 575 के आसपास या फिर 580 के आसपास, वहां से दोबारा से एक बार डाउनफॉल या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। हमें बुलिश तभी होना है जब 587-590 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, उससे पहले हमें इसके अंदर बुलिश होने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं बर्जर किंग की भी क्वेरी आई थी कि इसका भी आप बताइए। गाइस, ये ऑलरेडी डीलिस्ट हो चुका है, लास्ट टाइम इसने ट्रेडिंग किया था 2022 में 16 फरवरी को, उसके बाद से सारी ट्रेडिंग इसके अंदर बंद है, तो ये ध्यान में रख के चलना कि इसकी ये डीलिस्ट हो चुका है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो अपना ये है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। ये तो हमने आपके साथ ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये थोड़े बड़े लंबे टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे इस सप्लाई जोन के हिट किया है और दोबारा से यहाँ पर डाउनफॉल आया। ये देखिए सप्लाई जोन की पावर क्या होती है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी अभी इस क्लास में जो रनिंग बैच चल रहा है उसको, उन लोगों को अच्छे खासे बस एक वीक की बात है, उनको परफेक्ट एक सप्लाई और डिमांड जोन का पावर समझ में आने वाला है। बाकी बाकी जो नॉलेज होती है ऑप्शन के लिए, वो सारी नॉलेज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो फटाफट वीडियो भी देखते रहिए और नॉलेज लेते रहिए, क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी उसको भी आप लोग देखते ही रहिए। तो अभी ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फट सकता है ऊपर। हाँ, यहाँ पे आया तो इसने डिमांड जोन भी फॉलो कर रहे हैं, सप्लाई जोन भी फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे आता है 255-258 के आसपास तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देना है 240-245 का, और यहाँ पे बने रहना है इसके अंदर जब तक ये 240-245 के लेवल ना ब्रेक कर दे। बात करते हैं AWL की, जो कि अडानी से रिलेट करता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसने भी डिमांड जोन को फॉलो किया है, अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉप लॉस हमें रख देना है 335 का, 335-330 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात करें तो अपना एक हर्डल बन के आ रहा है यहाँ पे 386-390 का, उसके बाद अगर देखें अगर ये क्रॉस करना थोड़ा सा इसके लिए टफ होगा, क्योंकि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मतलब 410 से लेकर 420 का जो एक रेंज है वो अच्छा खासा कंसोलिडेट करने वाला रेंज है, तो इतनी आसानी से उसको क्रॉस भी नहीं करेगा। लेकिन अडानी है और मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि सडनली कभी कभी इन लोग इन सारे स्टॉक्स का पता भी नहीं चलता है कि कितनी बड़ी मूव अचानक ही देके जाते हैं, तो कभी कभी ये भी नहीं पता चलता है कि इनके अंदर बाइंग आ कहाँ से रही है। लेकिन हाँ, अभी ठीक है, ठीक ठाक डिमांड जोन से चल रहा है। अगर इसके अंदर कोई भी आपका पोजीशन है तो आप लोग 330 के स्टॉप लॉस के साथ में
होल्ड कर सकते हैं। बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की, तो अपोलो हॉस्पिटल ने क्या किया है, अभी लगभग इसने ऑल टाइम रहा है, तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसने अपना जो रिसेंट हाई था उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। जो रेंज इसका था यहाँ पे लास्ट टाइम वो था 5935 का, उसने अच्छे खासे रेंज के साथ में क्लोजिंग दे दी है। तो एक लॉन्ग टर्म में अगर टारगेट देखें तो इसके अंदर लगभग 6500 से 7000 के टारगेट निकल के आते हैं। बात करते हैं अगर कोई फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो फ्रेश एंट्री की अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही आपको रिस्क लेना ही लेना है तो आप लोग इसके अंदर लगभग 5900 के स्टॉप लॉस साथ में एक बाइंग कर सकते हैं, और कुछ डिप मिले 599 का, मतलब 6000 के आसपास का, अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आप लोग एड ऑन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपना अपोलो हॉस्पिटल की। बात करते हैं टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा गाइड्स हमने ऑलरेडी आपको साथ जो वीडियो हमने लास्ट टाइम शेयर की थी उसके अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि अगर कोई रिजल्ट में खराबी आती है और यहाँ पे अगर मौका मिल जाए 1254 1260 के आसपास, तो यहाँ लपकने वाला मौका होगा। जहाँ स्टॉप लॉस होगा अपना 1210 से 1215 का स्टॉप लॉस होगा। बाकी काफी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में एक बड़ा रैली दिखाने के लिए रेडी हो रहा है टेक महिंद्रा, तो उसको रडार में रख के चलना। बात करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो इसमें रिजल्ट काफी ज्यादा घटिया आया है। रेंज इसने बहुत अच्छा खासा रेंज इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, एक छोटा सा सपोर्ट रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई बड़ी पोटेंशियल नहीं है। अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो अपने को अच्छे खासे डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर देखिए फ्रेश एंट्री कोई सोच भी रहा है तो यहाँ पे 2424 का जो रेंज यहाँ पे हिट करे तो यहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है। जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2380 का स्टॉप लॉस साथ में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, लेकिन जब तक ये ब्रेक ना करे जो रेंज होने वाला है 2440 का रेंज, तब तक इसके अंदर आपको बियरिश भी नहीं होना है, क्योंकि अभी लगभग एक सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक रिकवरी भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई ऊपर लेवल से फंसे हुए हैं तो अगर ये ब्रेक कर दे तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए, और यहाँ पे बाइंग की जा सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको ये रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा होने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपके साथ ऑलरेडी मैंने उस दिन बोला भी था कि यहाँ के आसपास इसके साथ बाय करवाया था, टेलीग्राम के अंदर आपके साथ कितनी बार अपडेट भी दिया था आपके साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ध्यान में रखकर चलना, जैसे ही अपना जो इसका प्रीवियस हाई था मतलब 233 234 का वो क्रॉस करता हुआ दिखेगा, वो 238 240 और लगभग 250 के लेवल बड़े प्यार से आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी पीओसी बैंक अपने अच्छे खासे पोटेंशियल से ट्रेड कर रहे हैं। और जैसा रेलवे में अभी रैली आई है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में पीएसयू बैंक में भी वही रैली आने वाली है, तो ये भी अपने रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो वो भी अपना पीएसयू बैंक ही होने वाला है, क्योंकि एक बड़े रेंज से कंसोलिडेट कर रहा है करूर वैश्या बैंक, जिसकी लास्ट क्लोजिंग हुई है सैटरडे वाले दिन 169.85 के आसपास। ठीक ठाक से रेंज में इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद दोबारा रिटेस्ट करने आया डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए, और इस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक स्टॉप लॉस हमें रखना है 160 के आसपास का, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होगा, या फिर अगर मौका मिल जाए फिर से अगर गैप डाउन कोई भी मिल जाए यहाँ पे 156 155 के आसपास, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख देना 152 150 का, और आने वाले टाइम में अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है 185 192 और 200 के टारगेट बड़े आसानी से इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। गाइस इस लास्ट स्टॉक की बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लाइक से आपको कुछ पैसे लगने नहीं है लेकिन हमें काफी मोटिवेशन मिलती है, और हम लोग ट्राई करते हैं अपना बेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर करने की, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिल सके। तो फटाफट जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसकी भी नीड है इस टाइप की वीडियो की ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए। बात करते हैं बालकृष्णा की, कोई आपको यहाँ पे मैं रिसर्च नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं अपडेट करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई होल्डिंग है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बालकृष्णा के जो भी स्टॉक के होल्डर हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खासी खबर आ सकती है। मुझे लगता है कि आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर बालकृष्णा के लिए रास्ते खुल चुके हैं, 3100 से 3500 के टारगेट आसानी से हिट करता हुआ देखेगा। ध्यान रखना लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर टारगेट मेरे को लगता है कि बड़े प्यार से 3100 से 3500 के लेवल हिट करते हुआ दिख सकता है। अभी इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 2766.40 रुपए की। तो गाइज ये थी हमारी वीकली एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।